हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों अपने वीवो के फ़ोन में दोस्तों हम कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अपने फोन दोस्तों अपने कॉल आईडी अनाउंसमेंट सेटिंग को आप ऑन करना चाहते हो, आप कैसे ऑन कर सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों मैं यही बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है वीवो के फ़ोन में, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन कॉल सेटिंग पे क्लिक कर लो। फ़ोन कॉल सेटिंग पे क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पर आ सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई नंबर ऐड करना चाहते हो दोस्तों, आप यहाँ से नंबर को हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबर को हटा भी सकते हो। इसके दोस्तों यहाँ पर ये नंबर है, आप इसको यहाँ पर अपने फेवरेट लिस्ट से हटा सकते हो और ऐड पर क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर आप नंबर वगैरह को ऐड कर सकते हो। इसके दोस्तों यहाँ पर ये नंबर ऐड हो गया है, यहाँ पर ये नंबर ऐड करना चाहते हो ये दोस्तों ये वाला नंबर आपके फ़ोन में, यहाँ पर इस तरीके से नंबर को ऐड वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इन नंबरों को तो मैं रखना नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने इनको रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे, सेटिंग पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक नंबर सेटिंग है। दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर ब्लॉक है ये आपसे गलती से हो गया है, यहाँ पर आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से अपने ब्लॉक लिस्ट से नंबर को दोस्तों आप हटा सकते हो। दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स दोस्तों यहाँ पर आप रखना सेव करना चाहते हो अपने फ़ोन में तो दोस्तों यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। दोस्तों इसको एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा आई विल कॉल जैसे दोस्तों 5 मिनट, दोस्तों यहाँ पर आप इसको हटाना चाहते हो आई विल कॉल यू टुमारो या मैं आपको कल कॉल करता हूँ या मैं आज कॉल करता हूँ, इस तरीके से आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट करके रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आओगे दोस्तों यहाँ पर साउंड वायरस सेटिंग, दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, रिंगटोन वगैरह सेट करना चाहते हो चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख जाएगा कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का एडवांस सेटिंग पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों जो भी आपकी कॉलर आईडी दोस्तों जो भी नंबर आपने सेव कर रखा है अपने फ़ोन में दोस्तों वो आपकी कॉलर आईडी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अनाउंस हो जाएगी आपके फ़ोन में। जब भी वो कॉल करेगा आपको इंसान जो भी दोस्तों पर्सन है आपको जब भी कॉल करता है तो यहाँ पर वो कॉलर आईडी आपके फोन दोस्तों अनाउंस हो जाती है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है ऑलवेज पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास दोस्तों कॉल आईडी अनाउंसमेंट दोस्तों अनाउंस लिख रहा है कॉलर आईडी। दोस्तों यहाँ पर आके अपने कॉल आईडी को दोस्तों यहाँ पर आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। दोस्तों जैसे आपने नंबर सेव कर रखा है जैसे दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे दोस्तों ये नंबर सेव है मामा जी के नाम से। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहले इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम मामा जी 91 जो भी नंबर होगा इसके दोस्तों यहाँ पर नंबर है 1456766868 इस तरीके से नंबर वो शो हो जाएगा आपके फ़ोन में, मतलब कॉलर आईडी की जो दोस्तों है वो अनाउंस हो जाएगी आपके फ़ोन में। और दोस्तों अगर आपके फोन में पहले से अनाउंस हो रही है तो यहाँ पर आके आप इसको नेवर पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो कॉलर आईडी है दोस्तों वो अनाउंस नहीं होगी आपके फ़ोन में, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय दोस्तों। ठीक है दोस्तों।